आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान राज्य के जालौर जिले में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत से मैनपुरी जनपद मैनपुरी के दलित वर्ग में भी आक्रोश दिखा है। जनपद के घिरोर, कुरावली, किसनी, बेवर, भोगांव आदि कस्बों में भी शिक्षक की कायराना हरकत से आहत दिखे हैं। राजस्थान राज्य में दलित छात्र की पिटाई से हुई मौत पर कस्बा करहल में संत रविदास धर्मशाला में बैठक आयोजित कर दलित समाज ने आक्रोश जताया है। स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर करहल नगर में दलित समाज के लोगों ने कैंडल जुलूस निकाला है। अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध दलित समाज के लोगों ने छात्र इंद्र कुमार को न्याय दो के नारे लगाकर नगर के मुख्य मार्गों पर लोग जुलूस निकालते नजर आए हैं। कैंडल जुलूस में शामिल सभी लोग करहल तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंप कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। जुलूस में शामिल सभी लोगों ने क्षेत्र पंचायत कार्यालय स्थित शहीद स्मारक पर मोमबत्तियां स्थापित कर कैंडल जुलूस का समापन किया है। कैंडल मार्च के जुलूस में शामिल करहल के दलित समाज के नागरिकों ने इस प्रकार अपनी नाराजगी जाहिर की है। आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 9 भारत के लिए मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। आप लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आप लोग सड़कों पर आए हैं? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां साल है, दूसरी तरफ लगातार अनुसूचित वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसी कड़ी में अभी जब आप जैसा जानते हैं, मीडिया के थ्रू आपको भी मालूम है कि राजस्थान में एक जो है जातिवादी शिक्षक ने एक 9 वर्ष के बालक को इतना मारा कि उसका अंत हो गया, और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि जो मटके में पानी सवर्ण जाति के शिक्षक के लिए आरक्षित था वह। ऐसे में क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि संविधान के तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा और कम से कम ऐसे उदाहरण पेश किया जाए ताकि समाज में एक नजीर बने। और ये आप लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या है मामला बताएं? बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में जालौर जिले में एक टीचर ने एक अबोध बालक को, जिसकी उम्र मात्र 9 साल, जिसको कोई ज्ञान नहीं कि मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, और उसको तो केवल इतना था कि वो पानी पीने गया। पानी पीने पर वहाँ के सवर्ण जात के मनवादी मानसिकता के टीचर ने उस बच्चे को इतना मारा कि वो जो है 23 दिन बाद ख़त्म हो गया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम उसमें ये चाहते हैं कि जिस हमारे परिवार का जो बच्चा ख़त्म हुआ है, उसको 50 लाख रुपया उसकी आर्थिक मदद दी जाए, 2 बच्चों को नौकरी दी जाए, स्पेशल कोर्ट में अध्यापक के लिए क्या मांग करते हैं? अध्यापक को फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे नीचे हम कुछ नहीं चाहते। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।